आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंतर्गत हम जो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो हुए हैं उस नीतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज देखेंगे हम औद्योगिक क्षेत्र, उसके पहले देखे थे कृषि क्षेत्र। तो आज औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत हम देखेंगे कि कृषि की ही भारतीय औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया है, बल्कि देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था। किंतु उस पर प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले जाने के लिए किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई थी। भारत में इस विऔद्योगीकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यात बनाना चाहते थे, दूसरे वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। जैसा कि पहले हमने बताया था आप लोगों की बाजार के अंतर्गत इंग्लैंड क्या कर रही थी, कच्चा माल यहाँ से अपने वाले जा रही थी, वहां से निर्माण करके भारत में ही वह बेच रही थी, मतलब भारत का माल भारत में ही निर्माण करके वह बेच रही थी। इस तरह से वे और भी धनी होते चले जा रहे थे, वे अपना लाभ उठा रहे थे। फिर इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे वे अपने देश के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कल्पनाओं के पतन में, जहाँ एक ओर भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से भी वंचित भारतीय बाजारों की मांग का प्रसार भी हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड में सस्ते निर्मित उत्पादों में लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास में केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती वस्त्र मिले प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी। ये देश के पश्चिमी क्षेत्र आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही व्यवस्थित थी कि पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित रहा। उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक सीमित रहने के कारण 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हो गया था, जिसमें टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी, सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे। किंतु भारत में भावी औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्राय अभाव भी बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग के काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों, कलबुर्जों का निर्माण करते हैं और यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माण शालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यदि नहीं, नव उद्योग क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद का सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पाद क्षेत्र के एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा और वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पाद, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। अब हम देखेंगे विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार में प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पाद व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधनकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यात होकर रह गया था। साथ ही यह सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया था। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड में भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा था, इस कारण भी भारत का विकास नहीं हो पा रहा था। भारत का आधे से अधिक व्यापार जो इंग्लैंड तक सीमित रहा, शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया था। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार था, किंतु इस अधिशेष में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वह अपने वस्तु को मशीनों द्वारा निर्मित करने के कारण वे सस्ती और टिकाऊ होती थी और देसी जो सामान होता था वह महंगी पड़ती थी, क्योंकि उसका समय निर्माण करने में समय लगता था। इसी तरह से देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक और वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, यह निर्यात अधिशेष के देश सोने चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों भारत पर शासन करने के जनांक की परिस्थिति। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए, यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी।
बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही और वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकिकी संग्रह प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर जो 16% से भी कम ही थी, इससे महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आंकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर भी बहुत ऊंची थी, विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर भी अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33/30,000 हो गई है, उस समय ये दर जो थी 218/1,000 थी। जीवन प्रत्याशा स्तर में भी आज 69 वर्ष की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी और परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। अब देखेंगे आधारित संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश के रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। उसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय के लिए किए गए थे, जिसमें अंग्रेजी शासन ने पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उसका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं की आवागमन की सुविधा तथा देश की भीतरी भागों में कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में ही सहायता करना मात्र था। मतलब ये सुविधाएं भी उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बनाई थी। इस प्रकार माल को इंग्लैंड व अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था और ग्रामीण क्षेत्र तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम के उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था और स्वाभाविक ही था। प्राकृतिक आपदाओं में, अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया, यही सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय और सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने के अवसर प्राप्त हुए, दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारत ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों और रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था में आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया गया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय की आंतरिक जलमार्गों अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्गों से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेलमार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य देव तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जनसमान सुविधाएं प्रदान कर रही थी, किंतु बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारित संचार के वर्तमान में इस विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अब निष्कर्ष यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन के प्रभाव में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रत्येक आयाम में पैठ बना चुका था और किसी क्षेत्र में पहले अत्यधिक श्रम अतिशेष के भार से लदा हुआ था। इस स्तर पर बहुत कम था और इससे औद्योगिक वैधविक क्षमता संवर्धन सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार को केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित अन्य आधारित संरचना को उन्नयन प्रसार जनमूल विकास आवश्यकता सी व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों की जन कल्याणमुखी बनने का आग्रह कर रहे थे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी।